जय जोहार संगवारी हो। वैसे तो जेन शख्सियत मोर सामने माज बैठे हे ओखर बर कोई आप मतलब बोले जाए तो कोई पहचान के जरूरत नहीं, ओखर चेहरा ही काफी है। लेकिन तभो ले एक परंपरा है तेखर निर्वहन करते हुए मैं बोलना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया दगाबाज भावर और सुपर डुपर हिट मूवी लैला टिप टॉप छैला अंगूठा छाप के लीड एक्टर करण खान जी हमारे साथ में हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपके। सर आपके से जुड़े एक फिल्म के बहुत चर्चा हुआ थे जिन अभी रिलीज भी नहीं हुए हैं और साथ में ऐतिहासिक अभिल हो गए हैं, मंदरा जी नाम के जो पिक्चर आवत है जिन्हें छत्तीसगढ़ के पहला बायोपिक, कि आपके फिल्म लाइन में आना कैसे हुई? फिल्म लाइन में आना जिन हुई से ओखर बार कुछ कहीं प्लान तो नहीं कर रहे हूँ, लेकिन हाँ बचपन से मोर शौक रही से अभिनय के, एक्टिंग करना मोर बहुत ज़्यादा रुचि के काम रही से। और बचपने में जैसे गणेश चतुर्थी में आसपास के मंच में जा कर के मैं हाँ अपन प्रस्तुति देते रहे हूँ, गीत वीत गात रहे हूँ, घर वाला मन के भरपूर सहयोग रहीस, मोर बड़े भाई मोर माँ सबके सपोर्ट रही से और एमन के सहयोग एमन के मार्गदर्शन में मैं हाँ रंगमंच इप्टा से जुड़े हूँ। और रंगमंच इप्टा में मैं हाँ फिर लगातार अनवरत अलग अलग प्रस्तुति ला करे हूँ, अभिनय के बहुत अकन बारीकी ला सीखे के शुरुआत करे हूँ, सीखना तो खैर आज भी जारी है। तो यहाँ से फिर मोर अभिनय के जिन्हें सफर शुरू हुई जिन आज तक जारी है। सर जब आप पहली बार सुने हो कि सारवा ब्रदर्स प्रोडक्शन फिल्म्स और साथ में माँ नर्मदा फिल्म्स के बैनर में एक तो मूवी बना थे जिन छत्तीसगढ़ के पहला बायोपिक है मंदरा जी, तो बायोपिक के नाम सुन के हूँ छत्तीसगढ़ में पहला बायोपिक, का प्रतिक्रिया रही आपके? मैं जैसे सुनो कि छत्तीसगढ़ में पहली बायोपिक फिल्म बना थी तो मैं सरप्राइज हो गए रहे और मोर दिल एकदम मतलब खुशी के मारे उछलत रही से कि छत्तीसगढ़ अटका बढ़ गए, छालीवुड अटका बढ़ गए कि यहाँ बायोपिक बनना शुरू हो गए। और मैं मन मन गुनत रहे हूँ कि या अल्लाह कुछ ऐसे होती कि बायोपिक में मेन भूमिका जिन्हें वो मोला मिल जाती। सर जैसे आप बताया हो कि आप मन मन में गुनत रहे हो कि काश ऐसे हो जाती इसकी फिल्म से महू जुड़ जाते, तो जब माँ नर्मदा फिल्म्स और साथ में सारवा ब्रदर फिल्म्स प्रोडक्शन के जो सीनियर है उखर पूरा टीम वाला और साथ में डायरेक्टर जो है विवेक सारवा जी, जब आपसे मुलाकात करी और जब आप बताई कि ये फिल्म आप ला कास्ट करा था, तो आपके का फीलिंग रही से, का प्रतिक्रिया रही से? मोर प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा खुशी के रही से, मतलब ऐसे समझे जाए कि एक बच्चा एक कोनो खिलौना के जिद करत रही थे, उखर माँ बाप जिन हुए वो खिलौना ओला ला के दे देते तो वो बच्चा ला कितना खुशी होती, वैसने मोर मोला खुशी मिली रही से। काबर के मैं हाँ जब से अभिनय की शुरुआत करें हूँ तब से कुछ अलग हट के कुछ ऐसा रोल करना चाहत रहे हूँ जिन जिन भूमिका मोला फिल्म मंदरा जी में निभाए लगी से। तो मैं हाँ बहुत आभार व्यक्त करा था फिल्म के निर्माता निर्देशक हमारे विवेक सारवा जी के, माँ नर्मदा फिल्म सारवा ब्रदर सब जन के मैं हाँ बहुत आभार व्यक्त करा था कि उमन इतना बड़ फिल्म पर मोर जैसे छोटे से कलाकार के चयन लगे। सर नाचा गम्मत के पितामह कहे जाते मंदरा जी दाऊला और एक पर्यायवाची हो चुके हैं कि मंदरा जी दाऊ मतलब नाचा गम्मत या नाचा गम्मत मतलब मंदरा जी दाऊ, तो ऐसे में कहाँ तक आपला चैलेंजिंग लगी मंदरा जी दाऊ के जीवन चरित्र निभाना? चैलेंजिंग तो मैं कहा बताऊं, मंदरा जी के भूमिका ला निभाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रही से, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रही से, अपन आप में बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम रही से। और फिल्म के निर्देशक जिन हवा विवेक सारवा बिल्कुल यंग है लेकिन अतका जबरदस्त ओला समझ है और अतका उमन लंबा जिन हवा मंदरा जी के ऊपर में रिसर्च करे रही कि जहाँ भी मोला कुछ दिक्कत कुछ परेशानी आत रही से तो मैं ओकर साथ बैठ के डिस्कस करत रहे हूँ और घंटा दो घंटा नहीं हमारे डिस्कस दो दो तीन तीन दिन तक चलत रही से। तो ऐसे फिर हमन ये चुनौती के जिन है सामना करे। सर जैसे अगर चुनौती की बात निकले है तो एक अनोख सवाल आवत मुरमन में कि एक आजकल के जो जनरेशन है तेन हेल्थ कॉन्शियस हो गए और इसे में जब आपला टीम के जो डायरेक्टर है सारवा ब्रदर्स फिल्म प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर है विवेक सारवा जी, वो जब आपला बताइस कि आपला हेल्थ ला बढ़ाना है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है, इसे नहीं कि थोड़ा बहुत बढ़ाना, एक तो ये चैलेंज है और दूसरा सर कि जब आपला पता चली कि आपला ये पिक्चर पर अपन मुझ भी मुड़वाना है, तो ये दोनों चैलेंज का कैसे रही साहब के प्रतिक्रिया जब इसे बात पता चली साहब? वैसे तो हर कलाकार ला हर तरह की चुनौती हर तरह के चैलेंज ला स्वीकार करना चाहिए और बतौर कलाकार मैं हमेशा तैयार रहता हूँ हर चुनौती हर चैलेंज ला एक्सेप्ट करे के। लेकिन तभोले हेल्थ के बारे में जिन सवाल आप करे हो वो बहुत ही गंभीर सवाल है, काबर के मोर वजन वैसे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा कुछ में हाँ वजन को ध्यान नहीं देता हूँ तो फट से बढ़ जाते,
ता मैं हाँ बहुत मेहनत करके अपन आपला कंट्रोल करे रहे हूँ, लेकिन वही टाइम जिन्हें अतका बड़ फिल्म अतका बड़ चुनौतीपूर्ण भूमिका मोर आगू में आए रही सौ, निर्देशक के ये शर्त रही से कि फिल्म पर मोला थोड़ा सा वजन अपन बढ़ाएल पड़ी और मूछ लभी मुंडाएल पड़ी। तब मूछ मुंडाना तो कोनो बड़े बात नहीं है, अपन घर के खेती है, लेकिन वजन बर मैं हाँ थोड़ा सोचे हूँ, लेकिन काबर के अतका बड़ भूमिका मोला निभाए बर मौका मिले रही से तो मैं अला स्वीकार करें हूँ। और वजन बढ़ाना कोनो बड़े बात नहीं है, बढ़िया खाएं पियों मजा करें एकदम जिन्हें मोर वजन मस्त बढ़ गए, लेकिन वजन बढ़ाए के बाद वापिस जब वजन लग कम करना मोर करना रही से फिल्म में ही मैं हाँ वजन बढ़ा के कम भी करें तो वो मोर बर बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रही से। ओकर बर मोला भरपूर जिन्हें डाइट के प्रोडक्शन के तरफ से डाइट के इंतजाम करके दे रही हूँ। सर ये जो पिक्चर बना थे मंदरा जी दाऊ के ऊपर, तो मंदरा जी दाऊ के जीवन शुरू हुए 1911 में और पिक्चर बना थे 110 साल के बाद 2019 में लगभग, तो ये माँ किसे आप तालमेल बैठा है कि ये जमाना में पुराना जमाना दिखाना है? इमें तालमेल बैठाना बहुत बड़े चुनौती के बात रही से, लेकिन जब मोला पता चलीस कि हमन ये फिल्म ला करत हन और ये बायोपिक ला मोला करना है और मेहा दाऊ मंदरा जी की भूमिका ला अदा करूँ, तो मोर बार ये चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़ गई से, जैसे कि हमारे सामने में चुनौती रही से उखर चले के का तरीका हुई। दाऊ मंदरा जी के बारे में मैं हाँ पढ़े हूँ और जाने हूँ और सुने हूँ कि वह बहुत अच्छा चिकारा बजाते, वह चिकारा बजात रही से, वो बहुत अच्छा हारमोनियम प्लेयर रही से, वो बहुत अच्छा तबला ढोलक और जतका इंस्ट्रूमेंट होते सबके वो महारथी रही से। ता मैं हाँ तबला बजाए बर सीखे हूँ, मैं हाँ हारमोनियम बजाए बर सीखे हूँ, मैं हाँ चिकारा बजाए बर सीखे हूँ, चिकारा कैसे पकड़ना मोला मालूम नहीं रही से। ता चिकारा ला पकड़ के ओला बजाए बर सीखे में निर्देशक महोदय मोर बहुत मदद करी से और हर चीज में हमन फिल्म में ध्यान दे हन। आप मन जब फिल्म ला देखू, दर्शक मन जब फिल्म ला देखी तो मतलब पता चली काबर के सन 1930-40 के बीच में तो लाइट उतना ज़्यादा रहीस नहीं गाँव में, तो कहीं फिल्म में एक को जगह लाइट के बिजली के खंबा नहीं दिखाई दी, बिजली के तार नहीं दिखाई दी और नाचा पहली जिन है वो मसाल में चलत रही से, फिर लालटेन में शुरू हुई रही से, ऐसे धीरे धीरे पहली खड़े साग चलत रही से, फिर वो बैठकी में कैसे बदली, सब कुछ ये फिल्म में दिखाए के प्रयास करेगी। सर छत्तीसगढ़ के पहला बायोपिक बने हैं मंदरा जी, अब अपन आपने एक इतिहास रच दे है कि बायोपिक के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में पहला है, तो इसे में बाकी फिल्म से अलग कैसे ये फिल्म है और दर्शक मतलब इसे काय खास बात है जिसके प्रति देखे बढ़ जाना चाहिए? ये फिल्म ऐसे का खास बात है बताए के बजाय मैं ये बताऊं कि ये फिल्म में सब बात खास ही खास, हर बात खास, काबर के फिल्म के शूटिंग हमन करे हन 2019 में और फिल्म में दिखाए हन हमन 1919 के परिदृश्य, मतलब 100 साल के अंतर हो गए। अब 100 साल के अंतर ला फिल्म में कैसे दिखाए हुई कतेक अपन आप में इंटरेस्ट के बात है, बहुत अकन ऐसा बात है फिल्म में जिन दर्शक मन ला बिल्कुल नवा देखे मिली। एकर अलावा दूसर फिल्म से ये फिल्म में अलग बात ऐसे है कि हर फिल्म में हमन देखते हैं कि एक हीरो है, एक हीरोइन है और एक गुंडा है और हीरो हीरोइन जिन है गार्डन में जाके रोमांस करते गाना गाते और गुंडा बीच में आ जाते हैं और हम उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होते हैं, लगभग हर छत्तीसगढ़ी पिक्चर में और हर हिंदी पिक्चर में आप मतलब यही देखे मिले। लेकिन हमार ये फिल्म जन है ये तो दाऊ मंदरा जी के बायोपिक है, ओखर जीवन पे आधारित पिक्चर है और दाऊ मंदरा जी हा कैसन छत्तीसगढ़ पर, छत्तीसगढ़ के नाचा पर अपन तन मन धन सब कुछ ला निछावर करी से, कैसे वह जिंदगी ला जी से, कतना स्ट्रगल करी से, काका दुख दुविधा के और काका सुख के ओला सामना करे ला पड़ी से, सब कुछ फिल्म में दिखाए गए। तो मोर तो ये मानना है कि दर्शक छत्तीसगढ़ के दर्शक मन पर दाऊ मंदरा जी एक बहुत खास पिक्चर है। सर छत्तीसगढ़ के पहले बायोपिक आवत है जिन अपन आप में एक इतिहास है कि हो सकते हैं एक बाद अब एक दौर भी शुरू हो जाए छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी बायोपिक के, तो क्या लगते सर छत्तीसगढ़ी दर्शक और छत्तीसगढ़ी सिनेमा दोनों में एक का प्रभाव पड़े? छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक जिन प्रभाव है वो तो दिखना चालू हो गए है, काबर के हमार पहली बायोपिक फिल्म दाऊ मंदरा जी के तुरंत बाद जब हमार ये फिल्म की शूटिंग चलत रही से तब तीजन बाई के ऊपर भी बायोपिक बनाए बर टीम हा रिसर्च करे बर यहाँ आए रही से, तो हमारे बाद तीजन बाई के भी एक नेशनल लेवल पे बायोपिक फिल्म के शुरुआत हो गए हुए, दर्शक मन घलो जाना थे। दर्शक मन में जिन प्रभाव पड़ी वो मोर ये मानना है कि दर्शक मन बायोपिक देखे के बाद मोला नहीं लगते कि अब दर्शक मन के रुचि साधारण फिल्म कोती हुई। सर आज के पीढ़ी में देखे जावते कि आज के जो यंग जनरेशन है, आज के युवा पीढ़ी है, वह कहीं ना कहीं नाचक गम्मत से दुरियावत जाते, अपन लोक संस्कृति दुरियावत, तो एक बारे में आपके साथ कहेंगे?
सबले पहली तो जिन आज के पीढ़ी है जिन नाचा गम्मत लोक कला लोक संस्कृति छत्तीसगढ़ी हमर जिन संस्कृति है उसे जिन दूर होवत है ओमन से मोर अनुरोध है कि अपन संस्कृति ला जान भूलो काबर के एक पेड़ के पत्ता कट जाही डाली कट जाही तो वो फिर से आ सकत है लेकिन वो पेड़ के अगर जड़ कट जाही तो फिर पेड़ दोबारा नहीं होगा। तो संगी हो आज जिन हमन छॉलीवुड ला देखथन ये छॉलीवुड के शुरुआत भी हमन देखबो तो नाचा से हुई थी। नाचा पहली मसाल भक्का के साथ होत रही फिर एक बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आई जिन लालटेन के सहारा में नाचा होत रही फिर घड़े साथ से बैठकी में बदलीस और फिर धीरे धीरे वही नाचा जिन है वो लोक कला सांस्कृतिक प्रोग्राम के जिन है रूप ले लीस और सांस्कृतिक कार्यक्रम से होत होत आज हमारे छॉलीवुड में ये चीज परिवर्तित हो गई। कहीं ना कहीं अपन संस्कृति अपन बोली अपन भाषा अपन कला अपन लोक कला ला हमन ला जोड़ के रखना है काबर के छत्तीसगढ़ जिन हवे छत्तीसगढ़ी संस्कृति छत्तीसगढ़ी कल्चर छत्तीसगढ़ी कला लोक कला ये छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध हवे और इला हमन ला बचाना है और इला हमन ला छत्तीसगढ़ से बाहर भारत देश के कोना कोना तक के बल्कि विदेश तक भी पहुँचाना है जैसे कि कुछ एक हमार छत्तीसगढ़िया महानुभव मन करी से छत्तीसगढ़ी संस्कृति ले दूर झन हो छत्तीसगढ़ी सभ्यता संस्कृति लोक कला कला ला संजो के रखू जोड़ के रखू। मंदरा जी 28 जून भुला हो जन अरे छत्तीसगढ़ के पहली बायोपिक फिल्म है यार। हाँ और वैसे भी अब छॉलीवुड हाँ बदला तरक्की कर 28 जून भुलाहु जन।